आपके साथ चंद्रशी और आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी। आज की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर। ओडिशा में फानी तूफान ने मचाई तबाही, 8 लोगों की ली जान। प्रचंड चक्रवाती तूफान फानी ने शुक्रवार को ओडिशा के तट पर दस्तक दी और तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचाई। ओडिशा के पुरी और भुवनेश्वर समेत कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए, कई इमारतें ढह गई और चारों तरफ पानी भर गया। इसके अलावा 8 लोगों की जान भी इस दौरान चली गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने की पीएम मोदी की आलोचना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में किसान, रोजगार और पीएम का भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है और लोकसभा चुनाव के 4 चरण के बाद बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने राफेल और रोजगार से लेकर चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी अपनी बातें रखी। अमेरिका में 110 साल पुराने पेड़ को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। सोशल मीडिया पर इसकी फोटो 1,00,000 बार शेयर की गई है। अमेरिका के इडाहो में रहने वाली एक महिला शार्ली आर्मिटेज होवार्ड घर के बाहर लगे 110 साल पुराने कॉटन वुड के पेड़ को लाइब्रेरी में बदल दिया। इस काम में उन्हें कुछ महीने लगे। हॉवर्ड अपनी इस अनोखी लाइब्रेरी से लोगों को किताबें मुफ्त में देती हैं। शार्ली ने इस लाइब्रेरी की फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। फोटो को 1,00,000 बार शेयर किया गया और इस पर 13,000 कमेंट भी आए हैं। मोदी आज प्रतापगढ़ बस्ती में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और बस्ती में रैलियां करेंगे, जिसके बाद बिहार जाएंगे। यहां से वो वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से लौटकर मोदी गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर वापस दिल्ली जाएंगे। हैदराबाद शहर में एक नाबालिग ने बारातियों को रौंदा। शहर में एक शाही समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक मिनी ट्रक बारात में घुस गया। तेज रफ्तार में आए इस मिनी ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और घटना का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसे देखकर माना जा रहा है कि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। उत्तर कोरिया ने फिर किया हथियार परीक्षण। उत्तर कोरिया ने शनिवार को एक बार फिर से हथियार परीक्षण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कोरिया ने शॉर्ट रेंज तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया स्टाफ चीफ ने इस बात की जानकारी दी। मिसाइल स्थानीय समय अनुसार 9:06 पर किए गए। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नेशनल टीवी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।